आता है। जब भी मुझे जानकारी होती है किसी जिले में कहीं गरीब को जाना जाता है, उस बात को लेकर के मैं सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचता हूं कि आपके आदेश के बाद भी ये अधिकारी उसका घर उजाड़ रहे हैं, जब तक उसको बसने की व्यवस्था ना हो जाए। जानकारी कर लो, भूमिहीन अगर है, चाहे वो 21 साल का बसल हो, अगर घर बनौले बाप अधिकारी की औकात ना हो क्योंकि कोई गिरा दे, जब तक उसको पट्टा देकर के उसके बसने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उसको उजाड़ने की औकात ना डीएम के पास है, ना एसडीएम के पास है, ना तहसीलदार के पास है, किसी की औकात नहीं है। ये कानून माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बनवा चुका, लेकिन जानकारी ये नहीं है। गिरा देते हैं जब हम जाते हैं, तो जब जान जाते हैं कि राजभर जी आ रहे हैं, तो बैक डेट में पट्टा दे देते हैं, बैक डेट में आवास अलर्ट हो जाता है। हम समझाते हैं कि देखो ऐसा मत करो आगे, नहीं तो भाई हम तो लड़ाई हमारा हम एमएलए रहे कर रहे, हमारा वो मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि ये देश में हमहने हई तो हमहनों के हिस्सा मिले के, ये लड़ाई के लेके हम लोग बराबर। अभी 6 तारीख को मैं मैनपुरी था, 7 तारीख को हरदोई था, 9 तारीख को कुशीनगर था, 10 तारीख को गोपालगंज बिहार था, अभी मैं आया हूं कहां से पता है, कल मैं गाजियाबाद में था, 7 कार्यक्रम गाजियाबाद में किया, गाजियाबाद से रात को ट्रेन पकड़ा 10:30 बजे, फिर आया हूं सुबह यहां 7 बजे लखनऊ, और नहा धो करके हम लोग नाश्ता पानी करके फिर वहां से चल दिए आपके यहां। आज आपके यहां आपको समझा रहा हूं, कल फिर जाऊंगा बहराई समझाऊंगा, फिर जाऊंगा 16 तारीख को बिहार, आपके नालंदा मीटिंग है, नालंदा समझाऊंगा, बिहार यूपी को खूब समझाएगा, तब उन्हें समझाया जाए कि न समझाया जाए, कुछ आपको लोग करेंगे तो हम ही करेंगे। ये देखा जितना नेता लोग का यहाँ बैठल, ये हमने का जितना नेता लोग बा भाई, आप लोग गांव में भी चौपाल लगाओ, गांव में चौपाल लगाओ, जब